एसकेपी 7 न्यूज वैशाली। वैशाली जिले के महनार नगर के इशाकपुर वार्ड संख्या 23 में बीती रात घर के दरवाजे के पास बैठी एक महिला को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला उसी वार्ड के मोहम्मद मुद्दी मियाँ के पत्नी शमीना खातून बताया जाता है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रख महनार महदीनगर सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे, जिसके बाद कुछ देर के लिए आवागमन ठप हो गया। जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची महनार थाने की पुलिस ने कार चालक पर कार्रवाई करने और उचित मुआवजे दिलाने के आश्वासन के बाद जाम को खत्म कराया। रात में ही खाना खा के सब दूरा पर बैठे हुए माँ हमारी और एक वाइट रंग का बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी आया और घर छिड़ते हुए और पिलर में जाके ठोक दिया। और उस गाड़ी में 3 आदमी बैठे हुए थे। हमने माँ को ले गए अस्पताल, रास्ते में दम टूट गया। चल गए जी, गाड़ी के अंदर थे वो लोग, कहाँ भाग गए थे सब? वो लोग भाग चुके थे, जब तक हम लोग माँ को पकड़े तब तक भाग चुके थे। समीना खातून मेरी माँ है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सत्तार। लड़का है आप उनका? जी हाँ।